हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन नेक्स्ट। सो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे एक मैच में बना जाए एमवीपी। तो सब लोग चाहते हैं कि वो प्रो प्लेयर बने, मैच में उससे बढ़िया परफॉर्मेंस दे, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो कम से कम अपने से ज़्यादा बढ़िया तो होने के लिए एमवीपी बने, तो इससे अपने टीम मेट को लगेगा कि कम से कम हम उनसे अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे एमवीपी बन जा रहे हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। पर ये भी इजी नहीं होता है, इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि एमवीपी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, उनमें से कोई चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एमवीपी बहुत ईजीली बन सकते हैं। तो पहला ट्रिक थोड़ा सा हार्ड है और सेकेंड ट्रिक एकदम ईजी, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप एमवीपी हर एक मैच में बनेंगे। सेकेंड ट्रिक को बताऊंगा आखिरी तरफ। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक ये है कि हम सबको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग का हो गया जितना चाहे हम डैमेज लें, जितना ज़्यादा हो चुके हम डैमेज लें। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग इतना डैमेज ले लें कि कोई नॉक या हम लोग मार ही जाए। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है मतलब कि फुल डैमेज 120 HP पे होता है, तो हमें ट्राई करें कि 120 में से 80 HP 75 HP डैमेज ले, उसके बाद हील करें, क्योंकि हम जितना भी डैमेज लेते हैं उसका भी पॉइंट्स ऐड होता है, और साथ ही जितना हम हील करते हैं उसका भी पॉइंट ऐड होता है। तो हील करने के लिए तो सबसे पहले आपको डैमेज लेना पड़ेगा। तो हम हील ले सकते हैं अपने ब्लू जोन्स में, ब्लू जोन में जितना रहे डैमेज ले अच्छा है, और हम जितना हो सके अपने आप को हील कर, लोग को पॉइंट बढ़ता रहेगा। और अगली बात आती है आपकी सर्वाइविंग की, तो हमें जितना कोशिश करने की जितना देर तक हम सर्वाइव कर सके एज कम्पेयर टू टीममेट्स, हमें ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना है। एटलीस्ट 20 से 25 मिनट पर मैचेस में हमें वो सर्वाइव करेंगे। अपने टीममेट से ज़्यादा देर सर्वाइव किए और किल्स आपके टीममेट से कम हो तो भी चलेगा, एक दो किल कम हो तो भी चलेगा, अगर हम उन लोग से ज़्यादा सर्वाइव किए तो आपको ही एमवीपी बना जाएगा। तो ऐसे ही होता है ज़्यादातर, मतलब ये है कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे खेलिए, मतलब कैंप कीजिए, कैंप करते 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 पुश करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, कैंप कीजिए, आप जहाँ लगता है खतरा वहाँ से भाग जाइए, आप ऐसे करते करते सर्वाइव कीजिए। आखिरी का उसका टॉप 10 तक तो आना ही है, टॉप 10 तक आप सर्वाइव कीजिए, उसके बाद चाहे आप जो करना चाहे कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है रिवाइव की, तो हमें अपने टीममेट्स को हमेशा रिवाइव करें, कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव आप ही के हो, क्योंकि अगर आप गुस्सा दिखाते जैसे उसने मुझे रिवाइव नहीं किया मैं भी उसे नहीं करूँगा, ऐसा मत कीजिए। अगर आप रिवाइव करेंगे तो आप ही के पॉइंट्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइव करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, आप ही ग्रेनेड फेंक के अपने टीममेट को नॉक किए उसके बाद फिर से रिवाइव किए, ऐसा भी कर सकते हैं, पर ऐसे आपका सामने वाला प्लेयर आपको शायद रिवाइव ना दे और आप मर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीममेट्स को रिवाइव दे सके और अच्छे से कर सके। और अगली बात आती है किल्स की, तो आपको किल हमेशा मेंटेन करके रखना है, किल जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्राई करना है। इसके अलावा ये नहीं कि सामने चार बंदे और आप अकेले तो घुस जाए किल्स के लिए, वैसा मत कीजिए। देखिए जहाँ पर आपका खतरा है ज़्यादातर आप सर्वाइव की ही कोशिश कीजिए, सर्वाइव ही कीजिए, फिर भी आपको किल्स में तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किल्स बहुत मायने रखता है। अगर आप आखिरी तक का सर्वाइव किए, आखिरी तक का टॉप 10 में आ भी गए और आपके किल्स नहीं है, तो आपका आप देखिएगा आपका टोटल ओवरऑल स्कोर 70-68% से कुछ होता है, तो ऐसे ही होता है ज़्यादातर। तो इसलिए हमें किल्स पे भी ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किल तब 5-6 किए होंगे तब आपका ज़रूर 78-80% तक कुछ आपका टोटल रहता है, तो हमें किल्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब सर्वाइव से ज़्यादा मत ध्यान दीजिए पर किल्स पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, ताकि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ना हो सके तो मत कीजिए पर कोशिश कीजिए कि ताकि ज़्यादा हो। और अगली बात करते हैं लास्ट किल की, लास्ट किल बहुत मायने रखता है, अगर आप लास्ट किल कर लीजिए तो आपको टर्मिनेटर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ कुछ एक्स्ट्रा बहुत कुछ। तो ये होगी हमारी पहली ट्रिक, और दूसरी ट्रिक है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे तो आपके साथ कोई टीममेट्स ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, टीममेट्स नहीं होंगे, आप ही एमवीपी बने। तो इधर मैं अपना मैच स्किप किया, वो खेल के दिखाया, और ये देखिए मैंने सिर्फ 3 ही किल्स किए, 15 रैंक है मेरे टीम का, फिर भी मेरे टीम का एमवीपी मैं ही हूँ। तो ये था दूसरा ट्रिक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट।